IBN 24 न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रायसेन जिले की, जहां पर रायसेन में सिलवानी विधानसभा में आज रामपाल पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अपने उम्मीदवारों के साथ में SDM कार्यालय पर नामांकन पर्चा किया दाखिल। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर, दीपक मेहरा के साथ रायसेन। फिर इसके लिए जितने भी स्टेट की जनता ने मुझे विधायक बनाया, पूरा अपार इसने अपार आशीर्वाद इसने दिया है। इस बार भी जो नुकसान होगा वो कांग्रेस को ही होना है। कांग्रेस से मैं दो तीन धड़े यहाँ पे हो गए, निर्दलीय भी कांग्रेस के कुछ बागी मित्र भी लड़ रहे हैं, सपा अन्य पार्टियाँ भी जो कांग्रेस के सहयोगी लोग लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के वोटों का विभाजन होगा और रिकॉर्ड हमारी रिकॉर्ड जीत होगी। और इसमें कोई अक्सर हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिनके मकान बने हैं वो हमारे लिए समर्थन भी दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उजला योजना जिन गांव में सड़कें बनी हैं वो उस गांव के लोग आ जाके आपने देखा होगा इतनी शंका में आए, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में सड़क नहीं थी लेकिन आपने सड़क बनवाई, इसलिए पूरा समर्थन देने आज यहाँ पर आए। काफ़ी संख्या में बेगमगंज में सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे सर्किल हैं, बेतारी, बमोरी, सुल्तानगंज और बेगमगंज के पूरे नगर और आसपास के सिलवानी नगर पंचायत के काफ़ी संख्या में भाई बहन आज नामांकन दाखिल करने वाले कार्यक्रम में पधारे और संकल्प लिया के रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जनता का अपार समर्थन हमको क्षेत्र में मिल रहा है और हमने जो विकास के काम माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान साहब के नेतृत्व में अद्भुत काम किए, संबल योजना की बात करें उसमें छोटे किसान, व्यापारी, हाथ ठेला वाले सभी लोग उसमें शामिल हो गए, पूरे उनके जीवन भर के उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए बड़ा अभिनव प्रयोग है। इस तरह कई योजनाएं मध्य प्रदेश में जो चलाई जा रही है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, ये सब चिंता हम कर रहे हैं। साथ साथ में सड़क बिजली मुद्दे, बिजली पानी का मुद्दा शांत हो गया, पहले बीमारू राज्य था कांग्रेस शासन काल में